मैं तारा साथी मोहित कुनिया बे तम सारे का जॉब स्टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ। तो भाई के गया हमसे तारा, आज भाई आप ही सी लैंग्वेज करांगे। सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित है। हरियाणा पुलिस का पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आया करें, ठीक है। कंप्यूटर का टॉपिक वहीं तम नहीं बेरा, कंप्यूटर फिक्स कर रखे एच एस एस सी ना, 10 नंबर का कंप्यूटर तो फिक्स है, आवेगा, ठीक है। तो उसका मैं भाई यो सी लैंग्वेज के प्रश्न भी आया करें। इससे पहला जावा स्क्रिप्ट की करवाई थी, जावा स्क्रिप्ट वाले प्रश्न अच्छे डाल याद कर लियो, पक्का हुआ उनमें एक भी, ठीक है भाई। आज सी लैंग्वेज के कराएं, कई दिन था तारा भी अड़ूसा हो रहा था और डेली कमेंट में क्या करते कंप्यूटर करवा दो, कंप्यूटर करवा दो। लो भाई आज कंप्यूटर की एक और वीडियो उतर किया हुआ है। कल भाई इंडिया जीके की वीडियो कराई थी, तारा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। मैं तो कहूँ जब तारी परमिशन हो तो तड़का था इंडिया जीके जमानू सारी शुरू कर दूँ, जमा शुरू था इतिहास था, ठीक है। पेपर ताई पूरी करवाए दें, जमानू रटवाए दूँगा। और भाई जैन प्रश्न आई PDF से कंप्यूटर की, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो। चलिए शुरू कर रहा। सी भाषा की खोज किसने करी थी भाई? सारे हम पहला प्रश्न है, सी लैंग्वेज थी इसकी खोज किसने करी थी? तो डेनिस रिची ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, डेनिस रिची। यो प्रश्न पूछो रहा हरियाणा पुलिस का मैं भाई, सी लैंग्वेज की खोज किसने करी थी? डेनिस रिची ना। अगला के निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या हुआ? इस डाल के प्रश्न भी आया कर हरियाणा पुलिस का मैं, चाहे पाछले पेपर अंठाएगी देख लो, चक्कर कड़ा अंठाएगी देख लो, उसका मैं भी आया ऐसा। तो जो करियो प्रोग्राम हो, प्रोग्राम देखो ये ओवर कुकर में तरती थोड़ा समझाए, जो रिश्ता तरती और अच्छी डाल समझवा जा। इंट, इंट का मतलब क्या हुआ है? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब समझो, मैथ का मैं इंटीजर का मतलब समझो। इंटीजर का मतलब हो गया भाई माइनस इन्फिनिटी तक लेगी प्लस इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू, यानी कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 प्लस माइनस की, यानी कोई भी वैल्यू पुट कर सीखा। हाँ, जो से मतलब एक कंप्लीट डिजिट हो उसने बोला इंटीजर। तो यानी इंट का मतलब क्या हो गया? इंट यानी कि इंट, हमने इंटीजर इसके अंदर पुट कर दिया। सी लैंग्वेज का जो भी आप प्रोग्राम बोलिया करें, इन जितने भी हो ना प्रोग्राम बनाना बोला है, जो कर नुकून क्या करता आज तो प्रोग्राम बनाया थोड़ा, तो प्रोग्राम बनाना वो हो सही। और तो पैक पुगा के प्रोग्राम बनाया करें या दूसरा प्रोग्राम से कंप्यूटर का, ठीक है। इसका मैं इंटीजर का मतलब हो गया भाई कोई भी हमने इंटीजर डायल दिया इसका मैं, ठीक है। अगर मान लो भाई तारपन पूछ ले भाई जो कर के फ्लोट का के प्रयोग हुआ है, फ्लोट ये दो तीन डाल के प्रयोग होया करें, एक होया करें इंट और एक फ्लोट। इंट का मतलब अगर इंटीजर, फ्लोट का मैं डेसिमल वाली वैल्यू। मान लो भाई तारा जो भी रिजल्ट आओगा, मतलब कि प्रोग्राम खत्म हो पाछा जो भी तारा रिजल्ट आओगा उसकी वैल्यू पॉइंटा में आनी है, तो हमने पहला बेरा है भाई कि जो कर इसकी वैल्यू पॉइंटा का मानी है, तो हम फ्लोट का प्रयोग करोगे इंट की जगह, जो कर भाई 2.5, ठीक है, या वैल्यू आनी तारी तो आड़ फ्लोट का प्रयोग करोगे, इंट का प्रयोग को नहीं करो, ठीक है। फ्लोट का मतलब पूछ लो क्या हुआ है, यानी डेसिमल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो फ्लोट का प्रयोग होगा। इंट प्रोग्राम हो गया शुरू पीना भाई, इंटीजर डाल दिया हमने 30, ठीक है। मेन वॉइड मेन का मतलब भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ये ब्रैकेट का मतलब है प्रोग्राम स्टार्ट। उसके बाद फिर आ गया इंट, यानी कि उसके बाद हमने इंटीजर डाल दिया Y15, यानी कि 30 इंटीजर है, 30 का मतलब हमने 15 नंबर वाला इंटीजर डाल दिया प्रोग्राम का हमें। प्रिंट एफ का मतलब क्या हो भाई? इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना, जोन सा हमने इंटीजर डालिया है, जो भी हमने इंट का मतलब जो भी हमने इंटीजर डालिया है उसका प्रिंट निकलवाना, यानी कि उसका रिजल्ट आना। प्रिंट एफ का मतलब क्या है? रिजल्ट आना। प्रश्न पूछ लिया प्रिंट एफ का मतलब क्या है? रिजल्ट निकालना, ठीक है। वाई यानी कि परसेंटेज डी और वाई, इसका भी फर्क हो, अगर इंटीजर है तो आड़ा लगा परसेंटेज डी, अगर फ्लोट है, ये ऊपर फ्लोट बताया था, फ्लोट है तो आओगा परसेंटेज एफ, ठीक है। डी की जगह कैसे पे आ जाए परसेंटेज एफ। मान लो तरती प्रोग्राम दे दिया, नुक दिया भाई इसका मतलब कौन सा प्रिंट एफ वाला रिजल्ट सही है, तो परसेंटेज एफ हो जाएगा फ्लोट वाला सिस्टम, अगर ऊपर इंटीजर की जगह फ्लोट है तो, ठीक है। इसकी छोड़ो फिर इसका कुछ काम को नहीं, इसका सिर्फ इतना है भाई इंटीजर और फ्लोट बताना। आगे है वाई, यानी कि वाई को प्रिंट करवाना है, वाई के लिया था हमने 15, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात समझ में प्रोग्राम से संबंधित कि मैं आया कौन आया, दिमाग की खोपड़ी हम घुसया। अगला है सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशन के लिए किस एडर फाइल का प्रयोग करते हैं? जब आप इस शुरू में जो कर प्रोग्राम शुरू कराएंगे, जिसमें पूछा गणितीय ऑपरेशन, यानी कि अगर आप ना कोई भी मैथ का ऑपरेशन यूज करना है तो उसका खातर कौन सी एडर फाइल का यूज कराएंगे? एडर फाइल कई डाल के हों, जो कर आप प्रोग्राम स्टार्ट कराएंगे सारे हम पहला एडर फाइल यूज होया करें studio.h नूप, जो करे किसी ने अगर सीख रखी हो तो देख लो studio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल। पर्सन पूछ ले भाई studio.h, जो नीचे studio.h है
इसका मतलब के है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल या फिर पर्सन माई दे दे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल, इनका मतलब किस तरह प्रेजेंट करी जा है तो स्टूडियो डॉट एच था। ठीक है, मैथ की इसमें पूछ रहा है गणितीय ऑपरेशन के लिए, अगर मान लो भाई आप ही ना अपना जो भी पर्सन, अरे इस कुतड़ा का मार रहे चुतड़ा पर लाते दिमाग खराब करने लग रहा, मान लो भाई कि अगर कोई भी गणितीय ऑपरेशन है ठीक है उसका मैं आप ही ना मान लो कोई भी जो कर कौन सी एडर फाइल यूज कराएं, एडर फाइल कराएं मैथ डॉट एच। ठीक है, कुकर होगा ये, अगर आपने जो कर जोड़ घटा करना है ठीक है या फिर डिवाइड करना है अपना जो कर जो भी अपना प्रोग्राम होगा उसका मैं जोड़ घटा डिवाइड कुछ भी करना है तो उसका खातर मैथ डॉट एच फाइल का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, कौन सी फाइल का प्रयोग कराएंगे, मैथ डॉट एच, अगर आप इन्हें कोई भी जोड़ घटा गुणा डिवाइड कुछ भी करना है प्रोग्राम का में। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा गणितीय ऑपरेशन यूज होगा, मैथ डॉट एच। अगला के लूप कितने प्रकार की होती हैं भाई, भाई लूपा का प्रयोग भी होगा इसका मैं जो प्रोग्राम शुरू हो गया इंट इसका पता, फिर फोर लूप हो जाएगी स्टार्ट फोर वाइल डू वाइल, ये तीन चार डाल के हुए हैं। ठीक है, तो लूप कितने प्रकार की होती है, चार डाल के हुए, एक तो जो फोर होगी वाइल डू वाइल, एक और होगा कौन सी मेरा ध्यान को नहीं। ठीक से, यानी चार लूप होगा, यह बात याद रखनी है। अगला के एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है भाई, जिसका मतलब एंट्री होया अगर प्रोग्राम का, मैं अगर कुछ भी चीज़ की एंट्री करवानी है तो वो उसके लिए कौन सी लूप का प्रयोग होया अगर, फोर लूप का प्रयोग होया अगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए जो अगर फोर, और अगर कुछ भी प्रयोग करवाना फोर आई इज इक्वल टू टू इस डालता नू फोर लूप का प्रयोग होया अगर डॉट में, फिर आई प्लस प्लस उस दिन भी पहला भी बताया था एक बार। अगला के है भाई इंट, इंट का मतलब हमने कुछ भी इंटीजर एंटर करवा दिया, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन टेस्ट कराएंगे भाई पहला भाई कैसा के सिस्टम है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये किस लूप के पार्ट है। ठीक है, यानी किस लूप का सिंटैक्स है ये, मतलब ऐसा ये सिस्टम है या प्रोसीजर है ये कौन सी लूप का हमें अपनाया जाया करें, तो फोर लूप का हमें अपनाया जाया करें। ठीक है, सारे में पहला फोर जो आप आई इज इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर आई माइनस माइनस, ये हो गया इंक्रीमेंट, ये हो गया डिक्रीमेंट। ठीक है, कंडीशन टेस्ट करी आई इज इक्वल टू लेस देन फाइव इस डालगा हुआ, ये सारा किसका में होया करें, फोर लूप का में हुआ है। अगला के सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित हो जाता है, भाई सी प्रोग्राम चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, इनका मतलब सी प्रोग्राम है वो किसकी भाषा किसकी मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित हो जाता है, मशीन भाषा के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी प्रोग्राम है वो कंपाइलर की मदद से मशीन भाषा के अंदर यानी कि कंप्यूटर वाली भाषा के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जो भी आप प्रोग्राम बनाया करा इंटांट लिख की। ठीक है भाई, अगला के निम्नलिखित में से कौन सा सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है, चार ऑप्शन दिए गए भाई, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये दो ब्रैकेट से उन्होंने सारी जगह तम देख लियो जो करे तम प्रोग्राम स्टार्ट करोगे ना शुगर शुरू में आओगे वॉइड मेन, वॉइड मेन इसका आगे भी ये दो ब्रैकेट लागेंगे, उसका पाछा भी जुकर भी आगे प्रोग्राम स्टार्ट होगा आखिरी में भी जुकर आया करे गेट सी एच गच गच आया करे लिखे गच, और फिर आखिरी में मैंने ब्रैकेट, मतलब सी लैंग्वेज में जरा भी देखोगे ज़्यादातर ये वाला ब्रैकेट का यूज़ होगा अगर आप इन्हें कुछ भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट का मतलब भाई अगर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दोगे तो वो मान्य आ जाएगा, और मान लो भाई प्रश्न हुआ जाए भाई कि प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए कौन सी ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, तो इस ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, ये वाली जो ब्रैकेट है इसका यूज़ हुआ है प्रोग्राम स्टार्ट करने खातिर। अगला की है इनमें से फोर लूप कितनी बार चलता है भाई, फोर लूप है वो कितनी बार चलता है, ये प्रश्न पूछा गया, तो बहुत बार, इनफाइनाइटली मैनी टाइम। ठीक है, कई बार इंग्लिश में लिखा जाए इनफाइनाइटली मैनी टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा बार फोर लूप चला सकते हैं हम, कितनी बार भी चला लो फोर लूप का कोई चक्कर को नहीं, फोर लूप एक बार दो बार चार बार दस बार चालीस बार पचास बार कई बार चला लो फोर लूप कितनी भी बार चला सकते हो भाई। अगला के स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है वो के है यो भी सी लैंग्वेज का मैं यूज होया करे, करेक्टर्स का समूह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या है। ठीक है भाई, आगे भी बात समझ में, स्ट्रिंग क्या है, करेक्टर्स का समूह, करेक्टर कुकर हो गया जो कर कोई भी करेक्टर हो गया जो कर कि यो एम परसेंट का सिंबल होया करे यो नू, ठीक है यो नू जो कर एंड को मान्या कर एंड मान्या करा नू, तो इस डाल के नू करेक्टर होया करें अलग अलग, तो इन सारे का जो ग्रुप हो उसकी के बोल रहे हैं स्ट्रिंग बोल रहे हैं, याद रखियो भाई। सब्जी वाला आ गया, ताज़ा सब्जी और ताज़ा फ्रूट, सब्जी सब्जी ताज़ी सब्जी नू क्या कर रहे हो, मैं तो भाई इतना छिख लिया या रोज़ की रोज़ ये लाइन सुन सुन के मैं तो नू आपे बनाए लिया करूँ, सब्जी सब्जी बासी सब्जी, इफ़ या एल्स कंडीशन, और भाई दो तीन जने नू कहते मारा नाम लियो भाई वीडियो का मैं,
भाई ले दिया भाई तुम खुश रहो। एक तो था भाई काला पजामा नाम का, काला पजामा नाम था उसका कमेंट आया करा भाई, ठीक है मन्ना के मेरा भाई उसका असली नाम के नू बोले मेरा नाम ले दिए वीडियो में काला पजामा भाई पंजाबा लिख दिया गया काला पजामा ले भाई तेरा नाम ले दिया काला पजामा, ठीक है। एक आया करा भाई किरण नाम की महिला का कमेंट भाई, वहाँ भी उन्होंने कहा मेरा भी नाम ले दो भाई, लिख दिया भाई नाम किरण, ठीक है काला पजामा किरण खुश हो जाओ भाई नाम लिख दिए हैं तारे आड़े। अगला क्या है इफ़ एल्स कंडीशन का प्रयोग क्यों करते हैं, इफ़ या एल्स कंडीशन। इफ़ का मतलब देखो यदि, और एल्स का मतलब देखो तुम खुद सोच के देखो, इफ़ एल्स का मतलब अगर ऐसा नहीं किया तो, यानी कि इफ़ एल्स कंडीशन का प्रयोग किस लिए होता है, एक कंडीशन को चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, एक कंडीशन को चेक करने के लिए इफ़ एल्स का प्रयोग है। अगर मतलब कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ठीक है इफ एल्स का प्रयोग किस लिए होगा भाई, अगर मतलब इसका मैं प्रोग्राम का मैं आप ही नून लिख के देखा भाई, अगर आप एक्स की जगह 5 ले लेते तो क्या होता, और अगर 5 नहीं लेते तो क्या होता, मतलब दो सिचुएशन बनती हैं इफ एल्स की कंडीशन का। मैं प्रश्न हुआ है भाई इफ एल्स की कंडीशन में कितनी सिचुएशन बना है, दो सिचुएशन बना है। अगला कहने निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर पिछली वीडियो का मैं भी बताया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, ये डबल निशान है ये हुआ है असाइन, ओ सॉरी भाई ए नहीं आओगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंगल यो। अगर यो सिंगल बराबर का निशान आ जाए इसका मतलब है असाइन, यानी कि भाई कि ए है बराबर 5, यानी कि ए की वैल्यू हमने 5 असाइन करी है, ठीक है। और अगर डबल निशान आ जाए, डबल निशान का मतलब क्या है भाई कि ए की वैल्यू 5 ही है, डबल निशान का मतलब तो है इक्वल टू, प्रश्न आ जाए भाई कि इनमें से कौन सा इक्वल का ऑपरेटर है, इक्वल टू का ऑपरेटर, तो तम इसका ठोक क्या हो बी का, यो गलत हो जाएगा, यो है असाइन का ऑपरेटर सी लैंग्वेज में सब की में उल्टा हुआ है, और यो डबल निशान है यो इक्वल टू का ऑपरेटर है। अगला क्या है एरे के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं, सी लैंग्वेज का मैं भाई एरे भी आया करें, एरे का जो सारे में छोटा एलिमेंट है उसकी लोअर बाउंड का आया करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सारे में छोटा एलिमेंट थी क्या वह है लोअर बाउंड। अगला क्या पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल का क्या स्टोर करने के लिए किया जाता है, पॉइंटर है एक वेरिएबल है भाई, ठीक है वेरिएबल का मतलब समझ दोगे कुछ भी, ठीक है जिसका उपयोग वेरिएबल का क्या स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान तक सुन लियो इन्ना फिर हांड हो गए कौन होगा सिलेक्शन। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का प्रयोग करते हैं, पॉइंटर वो है जो इसकी डिक्लेयर करने खातर कौन सा साइन का प्रयोग कर रहे हैं, यो प्रश्न पूछा गया है, तो भाई पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए स्टार का निशान का प्रयोग किया जाए कर नो यो स्टार, ठीक है। और एक यो भी आगरा भाई कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसका मैं भी स्टार का स्टार का नहीं किया जाता, कमेंट्स को दिखाने के लिए इस निशान का प्रयोग किया जाएगा, टेढ़ा निशान हो है ना इसका, ठीक है भाई। पॉइंटर को किससे डिक्लेयर करते हैं, स्टार वाला निशान था प्रश्न आया करें। अगला क्या है एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, अगर मान लो भाई कोई भी प्रोग्राम है अगर आप उसका डायग्राम के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, कुकर करे अगर देखो मैं दिखा दी उतारती ऊपर लिख दिया जो करता मना 5 और इसका बाद नो डिब्बा बनाया दिया, इसके कुछ निशान हो भाई डिवाइड करने खातर नो टेढ़ा रोमबस जैसा डिब्बा बनाया करे, जोड़ करने खातर यो बनाया करे, और किसे खातर यो षटकोण सा बनाया करे, ठीक है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, और इसकी मतलब यो जो होया अगर इसकी फ्लो चार्ट बोलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एल्गोरिथम का ग्राफिकल या डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट, इसकी फ्लो चार्ट बोल रहा भाई। अगला कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं भाई, सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स पूछे हैं, कीवर्ड्स कितने हुए सी लैंग्वेज का मैं, तो भाई सी लैंग्वेज का मैं 32 कीवर्ड हुआ भाई, क्या कीवर्ड हुआ सी लैंग्वेज का मैं 32, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि किस ऑपरेटर की प्रियोरिटी सबसे कम है, प्रियोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, कौन सा ऑपरेटर की प्राथमिकता का मतलब है कोई मांग नहीं उसकी कि मैं वो नहीं सिस्टम, मतलब जी करा तो सुना गायल दो नहीं पढ़िया रहने जो घरा मैं को नहीं करेगा था इसकी कोई वैल्यू को नहीं आदमी की नौकरी नाकरी लाख को नहीं रहा कि मैं काम कर दान और ना सुसरा हुई अड़ पढ़िया रहा खटोली व खाट थोड़ी जा राशन की चीज आ, ठीक है। तो नुए है भाई किस ऑपरेटर की प्राथमिकता सारे में कम है, तो ये जो एम परसेंट का जो सा ऑपरेटर है इसकी सारे में कम प्राथमिकता है। अगला क्या है कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है, चार ऑप्शन दिए गए इनका मतलब कौन सा है एरे को डिक्लेयर कर रहा है भाई, यानी कि भाई नू बताओ भाई यो एरे है तो इंट एरे 10 है यो एरे को डिक्लेयर कर रहा है।
अगला के निम्नलिखित में से स्विच स्टेटमेंट को, भाई उपरान कुकर बात जाइए पड़ेगा, निम्नलिखित में से स्विच स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाओ है। भाई चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना भाई स्विच स्टेटमेंट हुआ है इस्ती और अन्य, मतलब स्विच स्टेटमेंट का और दूसरा के नाम है, यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम तो जाना है, ठीक है भाई, स्विच स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जा है, सेलेक्टिव स्ट्रक्चर। अगला के STL का पूरा नाम क्या है भाई, STL है इसके फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो STL का पूरा नाम है भाई। अगला के है इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनका अंदर तक कौन सा है वो लॉजिकल ऑपरेटर कोनी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यो जो M% का सिंबल है यो लॉजिकल ऑपरेटर कौन, कई बार भी पूछ ले भाई इस ऑपरेटर का नाम क्या है, तो M% इस ऑपरेटर का नाम। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा स्विच के स्टेटमेंट में चेक नहीं है, चेक नहीं होता, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए भाई, इनका मतलब कौन सा है वो स्विच के स्टेटमेंट का मैं चेक को नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट है वो स्विच के स्टेटमेंट में चेक को नहीं होता, यानी कि अगर फ्लोट वाली वैल्यू डालोगे पॉइंट वाली तो वह स्विच के स्टेटमेंट में चेक को नहीं होगा। अगला के शॉर्ट डाटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है, जो अगर शॉर्ट डाटा टाइप आ जाता है तो उसका स्टोरेज साइज कितना होता है, 2 बाइट, कितना है शॉर्ट डाटा का स्टोरेज टाइप, 2 बाइट। लॉन्ग पूछ ले भाई, लार्ज पूछ ले भाई, मतलब लॉन्ग डाटा टाइप का कितना हुआ है, 4 बाइट, और शॉर्ट का 2 बाइट, याद रखना, ठीक है भाई। अगला के एम पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है, जो एम है वो पॉइंटर का इसती एम परसेंट बोलिया करना भाई, इसती ये जो निशान सा हो एंड सा का इसती बोलने के है एम, ठीक है, एम है वो पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है, ये प्रश्न पूछा गया है भाई, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस ऑपरेटर, एम है पॉइंटर का कौन सा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर है भाई। ये पर्सन थे भाई कंप्यूटर के सी लैंग्वेज के, जैन पर्सन है PDF CA, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक्स है, मैसेज करके PDF ले लियो। सारा की राम राम, धन्यवाद।